वेलकम बैक टू फिल्मी पॉइंट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आप सबको पता ही है कि हर मंगलवार को हम लोग लेकर आते हैं वीकली रिलीजेस की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते की OTT और थिएटर रिलीज के बारे में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर पहली बार आए हो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और दोस्तों इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लो क्योंकि अब फ़ायदा आप ही का होने वाला है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 6 मार्च के OTT रिलीजेस की। तो पहला रिलीज है ब्लैकबेरी, जो 2023 की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को अब 6 मार्च से अमेजॉन और आईट्यून पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों सुपर सेक्स, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल इटालियन सीरीज है। इस सीरीज को 6 मार्च से नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के सीजन 2 का, जो कि एक सुपर हीरो कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज को हॉटस्टार पर 6 मार्च से सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा, और साथ ही साथ इसे उल्लू पर भी 6 मार्च को ही इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करें 7 मार्च के OTT रिलीज की, तो पहला बड़ा रिलीज है महारानी के सीजन 3 का, जो कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज है और जिसकी लीड में आपको रानी मुखर्जी देखने को मिल गई थी। और इस सीरीज को अब हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और मराठी लैंग्वेज में 7 मार्च से रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों रानी द रियल स्टोरी, जो कि एक मलयालम फिल्म है। इस फिल्म को अब 7 मार्च से मनोरमा मैक्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में। अगला रिलीज है दोस्तों रिकी स्टैनकी, जो कि एक इंग्लिश फिल्म है। इस फिल्म को अब 7 मार्च से अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों द जेंटलमैन, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 8 एपिसोड कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसकी लीड में जॉन सिन्हा देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज को 7 मार्च से नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है द सिग्नल, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल जर्मनी मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज को 7 मार्च से नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करें 8 मार्च के OTT रिलीज की, तो इस दिन काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा OTT और थिएटर में। बात करते हैं पहले रिलीज की, जिसका नाम है हनुमान। इस फिल्म को दोस्तों अब 8 मार्च को G5 के प्लेटफॉर्म पर हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों कैप्टन मिलर फिल्म के हिंदी वर्जन का, जो इसका वेट कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है कि इसे अब 8 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों अनवे शिपिन कैड थुम, जो कि एक मलयालम फिल्म है, और इस फिल्म को 8 मार्च से नेटफ्लिक्स पर हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों मैरी क्रिसमस फिल्म की OTT का थिएटर के बाद, अब ये फिल्म 8 मार्च से नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज कर दी जाएगी। अगला रिलीज है दोस्तों लाल सलाम फिल्म की OTT का, इसकी भी OTT रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। इसे नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पर 8 मार्च से हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों शो टाइम, जो कि एक हिंदी सीरीज है, जिसकी लीड में आपको इमरान हाशमी देखने को मिल जाएंगे, और ये सीरीज 8 मार्च से हॉटस्टार पर हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। अगला रिलीज है दोस्तों यात्रा 2, जो कि तेलुगु फिल्म है। इस फिल्म को अब OTT पर रिलीज किया जा रहा है 8 मार्च से, और इस फिल्म का OTT पार्टनर है अमेजॉन प्राइम वीडियो, और इसे सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ही अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। अगला रिलीज है दोस्तों साउंड पार्टी, जो कि एक तेलुगु फिल्म है। इस फिल्म का भी OTT प्रीमियर होने जा रहा है 8 मार्च से आहा तेलुगु के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में। अगला रिलीज है दोस्तों द बैकअप प्लान, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है, जिसे 8 मार्च से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों डैमसल, जो कि एक फैंटसी
साहसी एडवेंचर फिल्म है। इसे अब 8 मार्च से नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगू और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों लवर, जो कि एक तमिल फिल्म है। इस फिल्म का भी अब OTT प्रीमियर होने जा रहा है हॉट स्टार पर, सिर्फ तमिल लैंग्वेज में 8 मार्च से। अगला रिलीज है दोस्तों हार्ट बीट, जो कि एक मलयालम सीरीज़ है और ये एक मेडिकल कॉमेडी ड्रामा सीरीज है और इस सीरीज़ को 8 मार्च से डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों सेनोरिटा 89 के सीज़न 2 का। इसके सीज़न 2 को 8 मार्च से लॉयन गेट प्ले ऐप पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों अंग्रेजी अखबार, जो कि एक रोमांटिक सीरीज़ है। इस सीरीज़ को वो भी ऐप पर 8 मार्च से रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों बेंगोला मामा जुग जुग जियो, जो कि एक बंगाली फिल्म है। इस फिल्म को 8 मार्च से हॉय चॉय के प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा। अगला रिलीज है दोस्तों ब्लोन अवे का सीजन 4, जो कि आपको 8 मार्च से नेटफ्लिक्स पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें इस हफ्ते के थिएटर रिलीज की, तो पहला रिलीज है शैतान फिल्म का। इस फिल्म को 8 मार्च को रिलीज किया जाएगा। सेकंड फिल्म है भीमा, जो कि तेलुगु फिल्म है। इसे भी 8 मार्च को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। तीसरी फिल्म है गमी दोस्तों, इसे भी 8 मार्च को रिलीज किया जाएगा। चौथी फिल्म है ब्लैकिया 2, जो कि पंजाबी फिल्म है। इसे भी 8 मार्च को सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। पाँचवीं फिल्म है गौरिया लाइव, जो कि हिंदी फिल्म है। इसे भी 8 मार्च को रिलीज किया जाएगा। छःवीं फिल्म है तेरा क्या होगा लवली, जो कि हिंदी फिल्म है। इसे भी 8 मार्च को थिएटर में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की OTT और थिएटर रिलीज की लिस्ट। आपको इनमें से किन किन फिल्मों और वेब सीरीजों का सबसे ज़्यादा इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।